हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम। जीएसएम पब्लिक स्कूल नैनीताल का एक बहुत ही फेमस स्कूल था। वहां बहुत ही रेप्यूटेड घर के बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल का पूरे नैनीताल और आसपास वाले एरिया में बहुत नाम था, इसलिए रंजना वहां एज अ टीचर जॉब करना चाहती थी। रंजना साइंस की टीचर थी और वो 6th to 8th क्लास को साइंस पढ़ाया करती थी और वो बहुत वक्त से जीएसएम पब्लिक स्कूल में जॉब ट्राई कर रही थी। फाइनली उसकी जॉब उस रेप्यूटेड स्कूल में लग गई थी। रंजना बहुत खुश थी और वो पूरे मन से अपनी जॉब किया करती थी। स्कूल में एग्जाम्स का टाइम आ गया था और एक दिन रंजना एग्जाम पेपर्स चेक करने के लिए स्कूल के स्टाफ रूम में लेट तक रुकी हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो स्कूल से लेट आने वाली थी, मगर चिंता की बात तो तब हुई जब रात के 11 बज गए और रंजना का कुछ अता पता नहीं चला। उसके पापा उसे बार बार कॉल कर रहे थे मगर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। देखते ही देखते 12 बज गए, फिर 3 बज गए और फिर अगले दिन की सुबह होने को आ गई। रंजना के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उसके पापा तुरंत स्कूल के लिए निकल गए, मगर स्कूल के गेट पर ताला लगा था। इसके बाद रंजना के पापा सीधा लोकल पुलिस स्टेशन गए और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये सब अभी चल ही रहा था कि रंजना के पापा को उसके स्कूल के स्टाफ रूम वाले नंबर से एक कॉल आया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पुलिस को लेकर फौरन स्कूल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टाफ रूम में रंजना की लाश पड़ी है। उसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी और शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे। पुलिस ने ये सब देखकर तुरंत रंजना की डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके शरीर के निशान सीधा इशारा कर रहे थे कि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। शाम 8 बजे तक रंजना पेपर्स चेक करती नजर आ रही थी और उसके बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई थी। ये केस पूरे नैनीताल में फेमस हो गया और जीएसएम पब्लिक स्कूल काफी चर्चा में रहने लगा। स्कूल की प्रिंसिपल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है, इसलिए उसने पुलिस इन्वेस्टिगेटर अजय को बार बार स्कूल में आने से मना कर दिया। अजय ने केस के बारे में खूब इन्वेस्टिगेट किया मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रंजना का मर्डर हुआ कैसे और क्यों। उस स्कूल के सामने एक चाय और स्नैक्स की दुकान भी थी जहां एक बूढ़ी अम्मा सफाई का काम किया करती थी। एक बार अजय जब वहां पर चाय पी रहा था तो वो बूढ़ी अम्मा अचानक से बोल पड़ी कि उस स्कूल में भूत है और उस भूत ने ही उस टीचर को मारा है। ये सुनकर पहले तो अजय हंस पड़ा, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि वो एक बार रात में जाके स्टाफ रूम चेक करके ही क्यों ना आ जाए। इसलिए एक शाम स्कूल बंद होने के बाद अजय गार्ड से स्कूल खुलवा कर चुपचाप स्टाफ रूम में इन्वेस्टिगेट करने चला गया। स्टाफ रूम में जाते ही उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक ही स्टाफ रूम का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया था। अजय ने स्टाफ रूम को अंदर से बंद किया और फिर इन्वेस्टिगेट करने लगा। उसने रंजना का लॉकर खोला और डॉक्यूमेंट्स देखने लगा। तभी स्टाफ रूम की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अजय ने ट्यूबलाइट थोड़ी घुमाई ताकि लाइट फ्लिकर होनी बंद हो जाए और वो जलभुज बंद भी हो गई। इन सब पे ध्यान न देता हुआ अजय दोबारा अपना काम करने लगा कि तभी रूम में लगी ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो गई और पूरे स्टाफ रूम में अंधेरा छा गया। अजय ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और सभी पेपर्स उठाकर रूम से बाहर जाने लगा, मगर स्टाफ रूम का दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की मगर वो खुल ही नहीं रहा था। तभी अजय को अपने पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो पलटा और उसका दिल बुरी तरह दहल गया। एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके जमीन पर बैठी रो रही थी। अजय की धड़कनें ये देखकर बहुत तेज हो गई थीं, क्योंकि पूरे स्कूल में उसके अलावा कोई था ही नहीं। वो पूरी जान लगाकर दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश में लग गया, मगर अगले ही सेकंड वो बर्फ सा वहीं जम गया। वो धीरे से मुड़ा तो उसने देखा कि वो औरत ठीक
उसके पीछे छत से उल्टी लटकी हुई है। जब उसने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रंजना ही थी। उसकी आत्मा उसी स्टाफ रूम में कैद थी। देखते ही देखते रंजना की आत्मा छत से ही फ्लोट करते हुए उसी कोने में चली गई जहां वो बैठकर रो रही थी। उसने जैसे ही रंजना की आंख में आंख मिलाई, रंजना जोर से चिल्लाई और फिर हवा में कहीं गायब हो गई। अजय उस कोने की तरफ गया तो उसने देखा कि स्टाफ रूम की वो दीवार लकड़ी से बनी थी जबकि बाकी दीवारें सीमेंट से बनी थी। अजय ने तुरंत वो दीवार तोड़ दी। जो उसने वहां देखा वैसा कुछ उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उस दीवार के अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थी। उन हड्डियों के ऊपर खून लगा था और पास में ही एक गुड़िया रखी थी जिसके गले पर इंसानी बाल बंधे थे। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उस गुड़िया के नीचे एक तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि रंजना की ही थी। किसी ने रंजना को मारने के लिए और उसकी आत्मा को ट्रैप करने के लिए काला जादू किया था। अजय ने तुरंत गार्ड से पता किया कि स्टाफ रूम की लास्ट रेनोवेशन कब की गई थी। तो गार्ड ने उसे बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही स्टाफ रूम की दीवारों पर पेंट किया गया था। अजय ने गार्ड से रेनोवेशन कराने वाले ठेकेदार का नंबर लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि रेनोवेशन का ऑर्डर तो प्रिंसिपल ने दिया था मगर जीएसएम पब्लिक स्कूल के साइंस टीचर अनेक घोष काम के बीच में बहुत बार स्टाफ रूम में आया करते थे। एक दिन वो ही प्रिंसिपल से साइन डॉक्यूमेंट लाए जिसमें लिखा था कि स्टाफ रूम की एक दीवार को लकड़ी का बनाया जाए। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत अनीक को अरेस्ट कर लिया। शुरू में तो अनीक ने कुछ नहीं बोला मगर सख्ती करने पर उसने अजय को सब कुछ सच बता दिया। धीरे धीरे अनीक रंजना को पसंद करने लगा था मगर रंजना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे अनीक की फीलिंग्स उसके सर पर चढ़ने लगी थी और वो रंजना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। एक दिन जब उसने देखा कि रंजना किसी दूसरे लड़के से हंस खेल कर बात कर रही है तो अनीक गुस्से से पागल हो गया। जिस दिन रंजना स्कूल में देर तक रुकी थी उस दिन छुट्टी के बाद अनीक भी स्कूल में छुपा बैठा था। वो स्टाफ रूम में गया और रंजना से जबरदस्ती करने लगा। रंजना ने अपने बचाव में अनीक को धक्का मारा मगर अनीक को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने रंजना का सर टेबल के कोने पर दे मारा। रंजना की वहीं मौत हो गई। इसके बाद अनीक ने उस लकड़ी की दीवार के पीछे कुछ काला जादू करने का सामान छुपा दिया ताकि वो रंजना की आत्मा को वहीं ट्रैप कर सके और जब भी उसका मन चाहे वो उसे जाकर देख सके। अनीक की बड़ी बहन काला जादू करना जानती थी और अनीक ने उसी से ये सब करना सीखा था। अनीक के खिलाफ एक सॉलिड केस बनाया गया और कोर्ट द्वारा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जीएसएम पब्लिक स्कूल के उस स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया मगर आज भी कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ये दावा करते हैं कि उस स्टाफ रूम से आज भी किसी औरत के रोने की आवाज आती है। आपको क्या लगता है, क्या रंजना की आत्मा अभी तक उस स्टाफ रूम में कैद है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।